केंद्र की मोदी सरकार के नए किसान कानूनों के खिलाफ पंजाब सहित कई राज्यों के किसानों ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की योजना बनाकर चले किसानों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। जहां सरकार इस कानून के समर्थन में पूरी तरह जुट गई है, तो वहीं किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार से बिना किसी शर्त के बात करना चाहते हैं। अब इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश ने, सुनिए आप इस वीडियो में। देखिए एक बात आप जानिए, जो बात चल रही है सर, ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत करना चाहिए और उनको बताना चाहिए, प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं, लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ना खत्म कर दिया था, और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं, और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था, और उसका हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए, और केंद्र सरकार तो चाहती है किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको